उत्तम से सर्वोत्तम वही बनाएं जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में उत्तम हैं, लेकिन दोस्तों अब आपका वक्त जो है वो उत्तम से सर्वोत्तम बनने का है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस भारत देश में आपसे ज़्यादा कई अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए है तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 25 GS के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका लेसन नंबर 12 है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बृहद रूप से ब्राह्मण का अध्ययन कहलाता है क्या? चार ऑप्शंस आपके सामने और जल्दी से बता दीजिए कि बृहद रूप से जो ब्राह्मण है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ तो हिंदी में लिखा है तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि बृहद रूप से जो ब्राह्मण है उसका अध्ययन कहलाता है ब्राह्मण विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों ब्राह्मण विज्ञान को? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है, कॉस्मोलॉजी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड कौन सा है? घूर्णन और परिभ्रमण दोनों में लगभग समान समय लेता है तो उस पिंड का नाम है चंद्रमा, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्यान रखना पृथ्वी की बात हो रही है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका सूर्य। देखो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है काफ़ी बच्चों को। अगर हम बात करें अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से सबसे करीब तारा कौन सा है, तो उस तारे का नाम है सूर्य यानी कि सन। और सूर्य से सबसे करीब तारा कौन सा है, तो वो है आपका प्रोगेज्मा सेंचुरी। ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर करना ही मेरा काम है। पृथ्वी से सबसे समीप सूर्य और सूर्य के सबसे समीप प्रोगेज्मा सेंचुरी जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। ब्राह्मण में विस्फोटी तारा कहलाता है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए कि ब्राह्मण में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? तो ब्राह्मण में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, जल्दी से बता दीजिए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो अगर हम बात करें हमारे अंतरिक्ष के कितने तारामंडल हैं, तो आपका सही आंसर है 89, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहीं कहीं 88 दिया है तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जब 88 ऑप्शंस में होगा तो 89 ऑप्शंस में नहीं होगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, जल्दी से बता दीजिए हमारी आकाशगंगा की जो आपकी आकृति है वो कैसी है? तो हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है वो है आपकी स्पाइरल, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्पाइरल आकृति इस प्रकार की होती है, ये आकृति को हम स्पाइरल आकृति कहते हैं। थ्री डायमेंशन में ज़्यादा अच्छी दिखती है, इसमें तो मैंने आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो ध्रुव तारे की जो दिशा है वो उत्तर की ओर होती है। कौन सी दोस्तों? उत्तर की ओर होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है किसका? तो तारे का रंग जो सूचक है वो किसका है? उसके ताप का। अच्छा, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो आप एक काम कर लीजिए चौथे ऑप्शंस में लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तब आपका तीसरा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। बाय मिस्टेक कभी कभी टाइपिंग में गलती हो जाती है। वर्तमान आकलन के अनुसार ब्राह्मण की आयु कितनी है? वर्तमान आकलन के अनुसार ब्राह्मण की आयु कितनी है? तो ये है आपका 13 विलियन वर्ष, 13 विलियन वर्ष, चौथा ऑप्शंस करेक्ट है।
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनमें जो विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो होता है आपका सोलर सेल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला जो है वो एक मंदाकिनी है। क्या है दोस्तों? एक मंदाकिनी है दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं कहलाते हैं। तो शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगे छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये पल्सर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पल्सर कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ध्यान रखना शनि ग्रह की बात हो रही है। तो ये लेता है 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष समय लेता है शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। सांझ का तारा, भोज का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी के समान दिखने वाला तारा, सबसे चमकीला तारा, ठीक है, पृथ्वी के बिल्कुल हूबहू आकार दृष्टि से कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका शुक्र। तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है इवनिंग स्टार, ठीक है। इसके कई नाम है जो कि मैंने आपको बता दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहलाते हैं, क्या कहला कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, वायुमंडल कहेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के यूरेनियस यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है कितने वर्ष में या कितने समय में? तो ये 84 वर्ष में लेता है। कितना? 84 वर्ष में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है 21 मार्च को। कब दिखाई पड़ता है? 21 मार्च को दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, देखो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के सूर्य ग्रहण कब होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो हम बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या के दिन होता है। किस दिन? अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है सूर्य, सॉरी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य तो एक तारा है, समझ रहे हैं? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे जल्दी ये चक्कर लगा लेता है 88 दिन लेता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, के आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो अगर हम बात करें दोस्तों आकाश का सबसे चमकदार तारा, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है आपका? सीरियस। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी की विशेषता क्या है वो मैंने आपको बता दी, आपको याद रखना है ये। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? छोटा होता है, यानी कि कम होता है, बात वही है। तो ये आपका 42 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 42 किलोमीटर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर जो है वो क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस, के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? हमने आपको बताया चमकदार ग्रह की संज्ञा किसको दी गई, जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, इसमें ऑप्शंस सही है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शंस भी ठीक हैं। तो सबसे चमकदार ग्रह की बात करें तो वह आपका शुक्र यानी कि वीनस। दूसरा ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिया। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, शनि या पृथ्वी? ध्यान रखना कक्षीय गति की बात हो रही है, सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।